आइए सुनते हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा T20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद, और जानते हैं वे क्यों ले रहे हैं रिटायरमेंट। एक्चुअली आई हैव एंजॉयड सिंस द टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस फॉर्मेट एंड नथिंग बेटर टाइम टू से गुडबाय टू दिस फॉर्मेट। आई हैव लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ दिस। आई स्टार्टेड माय इंडिया करियर प्लेइंग दिस फॉर्मेट एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड। आई वांटेड टू विन द कप एंड से Right, is that just T20s, just to check? Yeah. Just T20s international? Yeah. Can you just, so you still play ODIs and tests? Yeah, very much. When you sunk to your knees at the end, what was going through your head at that point? When you dropped to your knees at the end after the final ball, it was very emotional. I wanted this badly. So very hard to put it in words because that moment, I don't want to say what I was thinking and क्या अच्छेपन पे विश्वास रखना मुश्किल हो रहा था और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना जरूरी है, चाहे आप हो, टीम हो, राहुल द्रविड़ हो, क्या ये जरूरी है राहुल? जरूरी तो है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो लिखा है वो होने वाला है। आई थिंक ये लिखा था बट ऑब्वियसली तुमको पता नहीं है मैच के पहले कि ये लिखा है। यही तो खेल है, यही गेम है। नहीं तो हम लोग आराम से आते, चलो लिखा हुआ है जीतने वाले। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया है। आई थॉट इट इज़ द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग गुड बाय। 100% मेरे को अभी किसी ने बताया भाई यू स्टार्टेड इन 2007 यू वन द वर्ल्ड कप एंड यू leaving the game winning the world cup, so that's a tailor made situation for me. Mm-hmm. best matlab maine start kiya tha jab pehli baar indian team mein aaya tha 2007 mein. Mm-hmm. pehla mera challenge tha, obviously main ireland gaya tha 50 over ke liye, but uske baad turant hi hum south africa gaye the t20 world cup khelne ke liye aur wahan pe jeete. Mm-hmm. aur uske baad abhi ye to full circle. Mm-hmm. proper circle, so I'm very happy with this. तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे दैट बिकेम वेरी वाइटल, वो अभी भी लाइक याद है। देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। उस टाइम पे 140-150 एक अच्छा स्कोर होता था, तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए, एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास। तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीज़ें, एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल, आई एम अ लाइक आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ having played the game for so many years, so it's been brilliant. Rohit, test captain, one day captain aur T20 captain, ye zara mushkil hai bahut kyunki har ball pe badalta jata hai. Bilkul, dekho, I think it's a big challenge to play all three formats and let alone captaining it. I think hamare liye bhi, players ke liye bhi bahut difficult hota hai quickly adapt karna. Test match jab aap khel rahe ho, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन नहीं, और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बोलर्स आते हैं काम करते हैं, एंड देन यू मूव वन और टू फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इन्जॉय किया है, कैप्टेंसी करना, बैटिंग करना, तो इट्स बीन ग्रेट।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो क्रिकेट एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्रिकेट काफी माना जाता है, यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से, तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज फाइन, यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट, और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मजा आता है, यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत एंजॉय किया है। अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते हैं वुड यू हैव प्लेड दिस टी20 वर्ल्ड कप या ऑलरेडी? अभी आई डोंट मेक डिसीजंस लाइक दिस, मतलब व्हेनेवर यू फील inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. So itna aage ka ya piche ka main zyada sochta nahi hu ki us world cup ke baad ye world cup khelta hai ya nahi khelta, aisa itna aage ka main nahi sochta hu. Maine socha nahi tha ki T20 retire karunga main, but situation aisa aa gaya hai. I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. नहीं, देखो यार धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को. आई एम श्योर सारे इंडियन, सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके,